नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, बजट में पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट हुई, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना होगी साकार। बजट को लेकर केंद्र सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना, बजट को पूंजीपतियों के हाथ में बताया। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आज, कुंभ की एसओपी पर होगा मंथन, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से बजट सत्र शुरू करने का निर्णय लिया। देहरादून पहुंचे मनीष सिसोदिया, आपके सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ, आपने सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की। किसानों के आंदोलन को समर्पित हुई शादी, दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर ही लेने आ गया, ट्रैक्टर पर बारात लाया दूल्हा बना चर्चा का विषय। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ, गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में शुभारंभ किया गया 108 एम्बुलेंस सेवा का। 10 आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। सीएम ने एम्बुलेंस एवं आईसीयू यूनिट का जायजा लिया, स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस शामिल हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस शामिल हुई, स्वास्थ्य महानिदेशक, स्वास्थ्य सचिव, मेयर मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय के बाद एम्बुलेंस 108 सेवा का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। 10 आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने और आईसीयू का निरीक्षण भी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, अब आपको एम्बुलेंस के अंदर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया। और अब आपको देहरादून से एक और बड़ी खबर बता देते हैं, महंगाई की एक और मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 190 रुपए महंगा हो गया है, तेल कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, महंगाई की एक और मार झेलने को मिल रही है। देहरादून से बड़ी खबर, महंगाई की एक और मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 190 रुपए महंगा हो गया है, तेल कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ेगी, तेल कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर 190 रुपए महंगा हुआ है, तेल कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अब आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर महापंचायत को लेकर किसानों की बैठक है। बड़ी खबर डोईवाला से, महापंचायत को लेकर किसानों की बैठक, हरिद्वार के मंगलौर में होनी है महापंचायत, कल डोईवाला से सैकड़ों किसान होंगे रवाना। इस महापंचायत को लेकर
आंदोलन को लेकर किसानों ने रणनीति बनाई है। बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर महापंचायत को लेकर किसानों की बैठक है। हरिद्वार के मंगलौर में होनी है महापंचायत। कल डोईवाला से सैकड़ों किसान होंगे रवाना। आंदोलन को लेकर किसानों ने बनाई है रणनीति। डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर महापंचायत को लेकर किसानों की बैठक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, किसान जो हैं वो महापंचायत में शामिल होने के लिए डोईवाला से निकलेंगे और महापंचायत जो बुलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो भी और तेज हो सकता है। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अशोक जी, कल डोईवाला से किसान निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसान आंदोलन है दिल्ली में, तीन कानून तो किसान बिल है, तीन उनकी वापस की मांग को लेकर किसानों का लगातार आंदोलन जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन को जो है समर्थन मिल रहा है। लगातार हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि महापंचायत हो रही है कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो अब उत्तराखंड में भी ये कल एक किसान महापंचायत होने जा रही है रुड़की में, तो उसको लेकर डोईवाला में किसानों ने रणनीति बनाई है। बड़ी संख्या में किसान जो है कल रुड़की रवाना होंगे, तो उसको लेकर आज यहाँ गुरुद्वारा में बैठक हुई है। तमाम किसानों से सुझाव मांगे गए थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, और इसके अलावा तमाम किसान ऐसे हैं जो यूनियन में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई है जो कि कल रुड़की पहुंचेंगे और किसान महापंचायत में भाग लेंगे। किसान आंदोलन को आगे तक ले जाने की इनकी मुहिम है, और इसी कड़ी में तमाम लोगों को ये एकजुट कर रहे हैं कि जो किसान है डोईवाला के, वो किसान आंदोलन के समर्थन में आ गया है और जो रुड़की में कल महापंचायत होने जा रही है उसमें भाग लें। जी बिल्कुल राजकुमार जी, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? क्या प्रशासन द्वारा इन किसानों को रोका जाएगा इस महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए? देखिए लगातार जो किसानों की बैठक हो रही है, प्रशासन की निगाहें उस बैठक पर हैं। तमाम जो टीमें लगी हैं प्रशासन की, वो इस जानकारी जुटा रही हैं कि डोईवाला में ऐसे कितने किसान हैं जो किसान आंदोलन के साथ जाने वाले हैं, किसान आंदोलन में जो हिस्सेदारी लेने पर एक हम कह सकते हैं बकायदा लिस्ट तैयार हो रही है। तमाम किसानों को चिन्हित भी किया है प्रशासन ने, जो लगातार हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं और किसानों के घर घर जाकर किसानों से अपील भी कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। जो काला कानून कहा जा रहा है किसानों के लिए, उसको वापस कर मुहिम जारी रखने की बात की जा रही है। अब क्योंकि भारत सरकार लगातार अपील भी कर रही है किसानों से कि अपने सुझाव देते हैं, अगर किसान बिल में कुछ दिक्कत है तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन किसान माने जी बिल्कुल। राजकुमार अग्रवाल जी, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ किसान करते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, कल डोईवाला से सैकड़ों किसान रवाना होंगे। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहेगा, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया। आंदोलन को लेकर किसान नई रणनीति बना रहे हैं। डोईवाला महापंचायत को लेकर किसानों की बैठक है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा कर अपनी सहमति प्रदान की। और जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में आईआरबी 3 बटालियन को बनाया जाएगा, जिसे गैरसैंण में तैनात किया जाएगा। प्रदेश के 5 पुलिस लाइन को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तेहरी शामिल हैं। आपातकालीन के दौरान पुलिस को हेली सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के नए भवन के लिए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति जताई है। विभाग ने अपना एक प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें पुलिस विभाग ने इस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने जो अपराध निवारण में जो बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, अगर हम देश की तुलना में देखें तो बहुत अच्छे काम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण में सामने रखी हैं। दूसरी बात ये कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन पर भी यहाँ पर विशद रूप से चर्चा हुई है।
कुछ जो हमने निर्णय लिए हैं कि एक तो आईआरबी की एक बटालियन आईआरबी 3 अभी दो हैं, तीसरी गैरसैंण में उसका बनाई जाएगी, गैरसैंण में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है, ऐसे और उसमें 5 अल्मोड़ा पिथौरागढ़, ये आप इनको दे देना बाद में, उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जा सके। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया है, क्या काम हम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, कितनी संवेदनशीलता से कर रहे हैं, क्या हमारा क्राइम वर्कआउट रेट है, कैसे हमारे ट्रैफिक का पोजिशन है, ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, साइबर में क्या कर रहे हैं, ये सब करते हुए फिर हमने अपनी पुलिस विभाग की कैसे हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे उसको आधुनिक संवेदनशील जवाबदेह, ये जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो एलिमेंट्स हैं ये सब हम कैसे करना, टैक्स सेवी, तो वो सब का हमने उनसे प्रस्तुतिकरण किया और क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं उनसे भी बात हुई। तो सर ने बहुत ही आज सकारात्मक रूप दिखाया है, बहुत सारी बातों पर सहमति दी है। एक सहमति जैसा आपको पता है कि जो हमारी 5 पुलिस लाइनें हैं जो पुरानी हैं, चोड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये इनके भवन जर्जर हो चुके हैं, तो इसमें नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, इनको सुधारा जाएगा। इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि आईआरबी 3 का गठन जो है, पहाड़ों में अभी तक हमारी एक भी बटालियन नहीं थी, तो पहाड़ों में फिर फोर्स को जाने में बहुत समय लगता था, गैरसैंण में जैसे विधानसभा खुल गई है तो वहाँ ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने गैरसैंण के क्षेत्र में एक आईआरबी 3 के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी थी, उसको वहाँ खोला जाएगा। भले ही आपने किसानों के अनेकों प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन उधमसिंह नगर में किसान के प्रदर्शन का एक ऐसा रूप सामने आया जो कि चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शन भी ऐसा कि किसानों के आंदोलन को समर्पित एक दूल्हा अपने दुल्हन को ट्रैक्टर पर ही लेने पहुंच गया। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के आपने कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज जो किसान आंदोलन का एक रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने शायद ही कहीं देखा हो। ट्रैक्टर पर बारात लाया दूल्हा मीडिया की सुर्खियां बन गया, देखे रिपोर्ट। फूलों से सजा ट्रैक्टर, स्टीयरिंग थामे हुए दूल्हा और बगल में बैठी सजी धजी दुल्हन, पीछे किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे लेकर चलते बाराती और दुल्हन। नजारा किसानों के समर्थन में निकली किसी रैली का नहीं, बल्कि काशीपुर के सिवलजीत सिंह और बाजपुर के संदीप कौर की बारात है, जहां नव दंपत्ति ने अपने जीवन के अनमोल पल को किसान आंदोलन को समर्पित कर यादगार बना दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम केशवाला निवासी तरसेम सिंह अपनी बेटी संदीप कौर का विवाह काशीपुर के टांडा धबौरा निवासी शिवलजीत सिंह के साथ तय किया था। बारात काशीपुर से बाजपुर पहुंची तो रास्ते में लोग अनोखी बारात को देखकर एक पल को चौंक गए, जहां दुल्हा शिवलजीत सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते अपनी बारात लेकर पहुंच गया और पीछे बाराती किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे हाथ में लिए थे। विवाह रस्म निभाने के बाद बारात विदा हुई तो शिवलजीत ने फिर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम लिया और दुल्हन संदीप कौर उनके बगल में बैठ गई। इस दौरान दोनों ने एक बार फिर किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया और काशीपुर के लिए निकल गए। दुल्हा शिवलजीत सिंह और उनकी दुल्हन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं शादी से 4 दिन पहले गाजीपुर से आया, बॉर्डर से आंदोलन में, वहाँ 15 दिन में स्टे लगाया मैंने वहाँ पे, और सब किसान वहाँ पे पहुँचे, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था। कारों में तो सब लाते हैं, सब किसान वहाँ जाएं, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था। भाजपा तक कानून वापस हो, फिर 3-4 दिन बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा, किले की काने कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है किसान को कोई भी। मैं चाहती हूँ कि ये काला कानून वापस हो
और मेरी शादी हुई को अभी 3 दिन हुए हैं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पे जाना चाहती हूँ। मेरी सब बहनों से अपील है कि वहाँ पर जाएं, जैसे कि मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के ये शादी की है। ट्रैक्टर पर आई बारात क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बनी रही। ट्रैक्टर पर आई बारात से दुल्हन भी काफी खुश दिखाई थी। दुल्हन संदीप कौर ने कहा कि वे किसान की बेटी हैं और किसान आंदोलन से बहुत आहत। फिलहाल ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में नजर आई। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, स्वरोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। कृषि विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। और इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आमजन की बात छोड़िए, खुद स्वास्थ्य महकमे और कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी, यानी कि जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर कहा जा रहा है, उनमें भ्रम बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण लक्सर के एक सुल्तानपुर में सामने आया। यहाँ फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है। इसमें विभाग कार्रवाई करने जा रहा है, जिसको लेकर उच्च जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें उनको चिन्हित किया जाएगा जिनको कोरोना वैक्सीन लगनी है। यदि कोई वैक्सीन लगवाने से मना करता है तो विभाग उन पर कार्रवाई अमल में लाएगा। क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस समय तहसील लक्सर में 947 हेल्थ केयर वर्कर्स और ब्लॉक खानपुर में 317 लोग जो हैं इसमें हेल्थ केयर वर्कर के रूप में पंजीकृत हैं, उनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम करना है, जो कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों की समय सारणी के अनुसार किया जाना है। सीएमओ साहब के निर्देशन में अभी एक टास्क फोर्स की मीटिंग थी, सीओ साहब अनुसार और हम लोग अभी सब थे, सब डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि 100% टीकाकरण कैसे किया जाएगा। 100% टीकाकरण के लिए एजुकेशन विभाग का भी बहुत सहयोग, हेल्थ वर्कर्स हैं, सभी को सबसे पहले टीका लगेगा। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरोवर नगरी नैनीताल में युवाओं ने लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। नगर के युवा कलाकारों ने हर रविवार को शाम 5 बजे नैनीताल नगर के बीएम शाह ओपन थिएटर में लाफिंग योजना करने का फैसला किया है, ताकि यहां आकर स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल आने वाले पर्यटक भी तनाव मुक्त हो सके। लाफिंग योगा की शुरुआत करने वाले खुर्शीद अहमद का कहना है कि लाफिंग योगा का मकसद कोरोना काल के कारण लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया था, जिसे दूर करने के लिए ये पहल की गई है, ताकि दूसरों से मेलजोल बढ़ सके। खुर्शीद का कहना है कि पुराने समय से चौपाल के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछने के साथ ही लोगों की बदलते समय में चौपालें खत्म होने के साथ ही लोगों का एक दूसरे से मेलजोल खत्म हो गया था। लाफिंग योगा का मकसद आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ ही लोगों को हंसाना, ताकि लोग तनाव मुक्त हो सके। लाफिंग योगा नैनीताल में पहली बार हुआ है। बीएम शाह ओपन एयर थिएटर में हम हर रविवार 5 बजे से लाफिंग योगा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका साफ उद्देश्य है कि लोगों को हंसाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, क्योंकि लॉकडाउन में हमने वर्चुअल लाइफ जी है और हम उससे उकता गए हैं। अब कम से कम हम यहाँ पर आएंगे, लोगों से साथ मिलेंगे, घुलेंगे और एक दूसरे का हाल जानेंगे। यानी जो पुराने ज़माने में होता था कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते थे, चौपाल लगती थी, बात करते थे, एक वही हमारा उद्देश्य है। सिर्फ हम लोगों को हंसाना चाहते हैं, उनके गम बुलाना चाहते हैं। रानीखेत की तहसील के सुदूरवर्ती गांव कुवाली के रोधपुर में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। तेंदुए की उम्र लगभग 2.5 से 3 साल बताई जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि मादा तेंदुए के शरीर पर नाखून के निशान पाए गए हैं, इससे आपसी संघर्ष में उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। रुड़की के भगवानपुर में 2 महीने पहले हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उनकी निशानदेही पर लूटी गई ज्वेलरी भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि 7 नवंबर को भगवानपुर थाने में सोनू ने तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी पत्नी को तमंचा दिखाकर जेवरात व सामान लूटे गए हैं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 21 नवंबर को आशु लूटे गए माल में से 2000 में नकदी और अंगूठी के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि 3 आरोपी फरार चल रहे थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी किए गए। में घटना हुई थी नवंबर माह में, जिसमें एक लूट का मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो अभियुक्त थे उसका बी वारंट लिया गया था, जो 3 अभियुक्त थे इसमें उनका बी वारंट पे हम लोगों के द्वारा लाया गया था। उसमें एक रिकवरी हुई है, उसमें करीब 3 लाख के आसपास की रिकवरी हुई और 3 अभियुक्त हमारे पकड़े गए। उधम सिंह नगर के एक प्रशिक्षु आईपीएस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी उधम सिंह नगर को एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में 3 मार्च तक जांच करने के आदेश दिए। एसएसपी दिलीप कुंवर ने मामले को लेकर एसपी क्राइम को जांच सौंप दी है और जल्द ही जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर की कोतवाली बाजपुर के ग्राम मनीपुरिया में पुलिस टीम पर हुई फायरिंग मामले में आरोपी अदल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा द्वारा पुलिस टीम के खिलाफ बर्बरतापूर्वक पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद आयोग ने इस शिकायत को परिवारवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। साथ ही आयोग ने एसएसपी उधम सिंह नगर को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले की विस्तृत संख्या 3 मार्च तक सौंपने के निर्देश दिए हैं। एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से आरियस वालों से इसका मौका मुआयना करवाया गया था कि रिनोवेशन के लिए थोड़ा सा रिनोवेट अगर हो जाता है, क्योंकि अगर इसको पूरी तरीके से स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते तो फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी सारी हो जाती, तो हम चाहते कि रिनोवेट हो जाता तो टाइमली, मतलब जल्दी हो जाता ये काम हमारा। तो आरियस वालों ने इसका किया था, सर्वे किया था इसका, बट उन्होंने ये लिख के दे दिया कि इसको अगर हम अगर इसको हाथ लगाते हैं रिनोवेशन के लिए तो बिल्डिंग ही मतलब गिर जाएगी पूरी, अगर हल्का सा भी कुछ किया तो इसको पूरी तरह ध्वस्तीकरण के बाद ही हम मतलब नया बिल्डिंग बना सकते हैं।
उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे प्रियंका बिश्वा के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है।